सवाल यहां यह है कि जिस आर्टिफिशियल रेन कृत्रिम बारिश की बात हो रही है, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल रेन कैसे होगी, कैसे दिल्ली में अचानक बारिश जैसा माहौल बनाया जाएगा और ये प्रोसेस कैसे होता है, तो ये आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए और एक एक करके आपको ये जानकारी देते हैं। ये दरअसल सिल्वर आयोडाइड ड्राई आइस, साधारण नमक को बादलों में छोड़ा जाता है। आर्टिफिशियल बारिश का ये प्रोसेस आप समझिए कि इसमें सिल्वर आयोडाइड हो, नमक है, उसे बादलों में छोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। जो बादल पहले से मौजूद हैं उस बादल में इस तरह के केमिकल डालकर, और फिर ये कैसे डाला जाता है बादलों में, तो ये काम बैलून, रॉकेट या ड्रोन से किया जा सकता है। आर्टिफिशियल बारिश का एक लंबा प्रोसेस होता है एक, और उसमें बहुत सावधानी और बहुत सारी शर्तें भी होती हैं और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो परिस्थितियां होनी चाहिए तभी आर्टिफिशियल रेन आप करवा सकते हैं। अब आर्टिफिशियल बारिश का प्रोसेस, इसके लिए आपको बादलों का सही सिलेक्शन ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि किसी भी बादल में आपने जो क्लाउड सीडिंग शुरू कर दी। क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों का सही सिलेक्शन ज़रूरी है और साथ ही साथ जो हवा है, हवा की दिशा भी बहुत ज़रूरी है, हवा की स्पीड भी बहुत ज़रूरी है, तब जाकर ये काम आप सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और साधारण नमक, ये तीन चीज़ें जो हैं वो बादलों में छोड़ा जाता है ड्रोन के जरिए, बैलून के जरिए या रॉकेट के जरिए, लेकिन बादलों का सिलेक्शन ज़रूरी है। अब समझिए कि कैसे कराई जाती है आर्टिफिशियल बारिश, प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हवा की गति और दिशा सही होनी चाहिए और वो तय करता है कि आपका ये जो आर्टिफिशियल रेन का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। हवा की गति सही है, दिशा सही है, तब हम अगला स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या है कि आसमान में 40% बादल होने चाहिए कम से कम। अब यहाँ ऊपर बादल हैं या नहीं हम आप नहीं देख पा रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, लेकिन ज़रूर 40% बादल होंगे ये अनुमान लगाया जा रहा है और ये देखा जाएगा। तीसरा, बादलों में थोड़ा पानी भी होना चाहिए, नमी होना चाहिए, पानी की, और जो थोड़ा सा पानी होगा उसमें जो मैंने पहले बताया कि सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस और साधारण नमक को बादलों में छोड़ा जाता है, तो फिर वो पानी जो है वो नीचे गिरता है बारिश। सबसे पहले हवा की गति और दिशा सही होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आर्टिफिशियल रेन की जाती है और कृत्रिम बारिश होती है। कृत्रिम बारिश लेकिन मंजूरी लेनी पड़ेगी, केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी, और दिल्ली में जो पर्यावरण मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि कृत्रिम बारिश ही अब अंतिम विकल्प है, तभी AQI लेवल जो कई इलाकों में 500 के पार है वो ठीक होगा।